दहशतगर्द विकास दुबे के काले कारनामों की जानकारी उसकी पत्नी ऋचा दुबे को भी है, इसलिए वह बच्चों के साथ लखनऊ में अलग रहती थी ताकि उसे या उसके बच्चों को कोई भी आंच न आए। हालांकि पर्दे के पीछे रहकर वह विकास का साथ देती थी। जब भी पुलिस विकास को घर से गिरफ्तार करती, पत्नी सीसीटीवी कैमरे के रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल कर देती। खरखोदा से सांपला मार्ग पर चल रहे राजमार्ग पर हुआ दर्दनाक हादसा, घूमने निकले नवयुवक को गाड़ी ने कुचला, मौके पर मौत। गोहाना में हुई लूट एवं ब्लाइंड मर्डर की वारदात का हुआ खुलासा, वारदात को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को CIA पुलिस ने किया गिरफ्तार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक, बैठक में होगी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा। बड़ौदा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की CM मनोहर लाल खट्टर को चुनौती, बोले CM बड़ौदा से चुनाव लड़ेंगे तो मैं खुद उनके सामने लड़ूंगा चुनाव। सोमवार से शुरू हुआ सावन का महीना, सावन शुरू होते ही श्रद्धालुओं द्वारा भोले बाबा पर जल विसर्जन शुरू हो गया है। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं सेक्टर 8 सनातन धर्म मंदिर की, जहाँ भक्तजन शिव बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। चंडीगढ़ के धर्मास में परिवार के 5 लोगों को कोरोना, शहर में कुल 7 मरीज नए आए। पंजाब का मेडिकल शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग मौजूदा सत्र के अपने सभी कोर्सों के लिए परीक्षाएं आयोजित करेगा। विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने सभी को स्पष्ट किया है कि कोरोना के कारण कॉलेज यूनिवर्सिटी में परीक्षाएं न करवाने के आदेश मेडिकल शिक्षा विभाग पर लागू नहीं होंगे। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।